सुशांत सिंह राजपूत मामले में पुलिस जो है जांच का दायरा बढ़ाती जा रही है, कई लोगों की पूछताछ हो रही है। आज का अगर मैं आपको अपडेट दूं तो आज जो है कास्टिंग डायरेक्टर और सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म जो आने वाली थी दिल बेचारा है कि निर्देशक मुकेश छाबड़ा के साथ जो है इंटेरोगेशन की गई और ये जो है जाँच 7 घंटे लंबी चली है। जी हाँ, लगभग 7 घंटे तक ये जाँच चली है और मुकेश ने किस तरह की डिटेल्स जो है पुलिस को दी है मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बताया कि उनकी जो आखिरी बात है 27 मई को हुई थी सुशांत के साथ। 27 मई को मुकेश छाबड़ा का जन्मदिन था और उसी दिन उनकी सुशांत के साथ बात हुई थी। वो बताते हैं कि सुशांत जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट एक्टर हैं और उनके साथ काम करना सभी को बहुत पसंद आता है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि सुशांत जो है अपनी पर्सनल बातों को उनके साथ रहने वाली क्रिएटिव टीम के साथ कभी भी शेयर नहीं करते थे। उन्हें किताबें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और जो है उन्हें बहुत सारी चीज़ों पर बात करना पसंद था। वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग की ही या सिर्फ फिल्मों की बातें करें ऐसा नहीं था। मुकेश ने जब उनकी आखिरी फिल्म थी तो बहुत सारा अच्छा खासा समय जो है बिताया था। उनका ये भी कहना है कि उन्हें फ़ोन पर ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं था, वो फ़ोन पर सिर्फ काम से काम की बातें करते थे। उनको पर्सनली मिलने पर बातें करना ज़्यादा पसंद था, उनको तारे देखना बहुत पसंद था और किताबें वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। Zone 9 DCP अभिषेक त्रिमुखे ने एक्चुअली जी न्यूज़ में खबर आई है कि ने बताया कि सुशांत का जो है सुसाइड मामले में एक्सीडेंटल रिपोर्ट दर्ज की गई है और उसी को लेकर मुकेश छाबड़ा से पूछताछ भी हुई है। पुलिस ये भी कह रही है कि 5 और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और बैनर के साथ पूछताछ की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपने सुशांत को फिल्में दी थी और उसके बाद वापस ले ली। इतना ही नहीं, अभी तक सुशांत सिंह के साथ जिन जिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने काम किया है उनके साथ भी पूछताछ की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि सुशांत सिंह राजपूत का स्वभाव कैसा था। पुलिस ने यह भी बताया कि उनको सबसे बड़ी जो है पुष्टि शायद उनकी उस महिला मित्र के साथ होगी जिनके साथ जो है उन्होंने बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस एक्सचेंज किए थे और सामने आ रहा है कि जिस महिला मित्र ने उन पर पर्सनली और प्रोफेशनली दबाव बनाए थे। तो जी न्यूज़ की खबर के मुताबिक अभी तक जो है 10 लोगों की जांच की जा चुकी है लेकिन सुशांत की पर्सनल राइवलरी प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हो ऐसा उन्हें अभी तक एक भी जो है सुराग नहीं मिल पाया है, एक भी ऐसा बयान नहीं मिल पाया है। तो इसको लेकर अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप तक लेकर ज़रूर आऊँगी।